हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर के ऊपर। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फोर्थ चैप्टर है। इससे पहले हम काफ़ी वीडियो चैनल के ऊपर कर चुके हैं और काफ़ी आती रहेंगी चैनल के ऊपर टिल योर नीट एग्जामिनेशन। तो यदि आपको नीड है तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ, ये एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपीट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन किडनी हेल्प्स इन। ह्यूमन के अंदर किडनी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, हमसे पूछा है। ऑप्शंस रीड करके पता चलता है, पता करेंगे। पहला कि रेगुलेशन ऑफ पीएच, बिल्कुल सही कह रहा है, किडनी पीएच रेगुलेशन में हेल्प करती है, फर्स्ट ओके। सेकेंड है एन टू वेस्ट एलिमिनेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट एलिमिनेशन में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बिल्कुल सही, किडनी क्या करती है, कंसंट्रेटेड कर देती है, ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेटेड करती है, यानी ब्लड वॉल्यूम यानी वाटर के वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इनको बैलेंस करके रखती है किडनी, ओके। तो थर्ड भी इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो मेरे हिसाब से होगा फोर्थ, और ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, ओके। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट, नॉट द करेक्ट मैच हमसे पूछा गया है ऑफ डिजीज, ठीक है। हमको डेफिनेशन पहले डिजीज का नाम दिया है, फिर उसकी डेफिनेशन दिए, चलिए रीड करते हैं। नोट करेक्ट हमसे पूछा है, ओके। पहला कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लोमेरुलाई होती है किडनी की, उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। सेकंड क्या है, यूरेमिया, ब्लड सेल्स पासिस थ्रू यूरिन, ये गलत है, यूरेमिया के ऐसे थोड़ी ना होता है। यूरेमिया के अंदर क्या, ब्लड के अंदर जो यूरिया कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और जो यूरिन के थ्रू यूरिया पास आउट होता है, तो इस तरीके का यूरेमिया होता है, लेकिन इसके अंदर ब्लड सेल्स का इसलिए रोंग है, और नोट करेंट हमसे पूछा था, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एंजियोटेंसिन टू, ठीक है, एंजियोटेंसिन टू के रिस्पेक्ट में ट्रू स्टेटमेंट हमको बतानी है। पहला है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर, बिल्कुल सही कह रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सेकंड है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या करेगा, इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR को ओवरऑल इंक्रीज कर देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फोर्थ, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट एंजियोटेंसिन टू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अदर देन किडनी हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑर्गन आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ओके। किडनी के अलावा नीचे जितने भी ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इनमें से हमको देख के बताना है कि कौन कौन सा आपका एलिमिनेशन के अंदर काम करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एलिमिनेशन के अंदर काम कर सकता है। देखते हैं, लीवर करता है, स्किन भी करता है, लंग्स भी करता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स भी करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी कुछ अमाउंट तक करता है, ठीक है, सलाइवा के अंदर थोड़ा बहुत यूरिया की अमाउंट होते हैं। तो इस तरीके से तो चारों के चारों लंग्स भी कैसे करते हैं, CO2 का एलिमिनेशन करते हैं, स्किन के द्वारा क्या होता है, ठीक है, सीबेशियस मटेरियल वगैरह जो है, लीवर काफ़ी कुछ, ठीक है, यूरिया का एलिमिनेशन, तो काफ़ी चारों के चारों का रोल है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एलिमिनेशन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए वाला, फोर्थ, ठीक है, चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो फोर्थ पहला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग सेल्स एक्सेप्ट। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर कह रहा है कि सारी सेल्स हैं सिर्फ एक को छोड़कर ऑप्शंस के अंदर से, तो वो हमको बतानी है। पहली है मैकुला डेंसा, ये इसके अंदर होती है। सेकंड है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ये भी होते हैं। थर्ड है पोडोसाइट सेल्स, ये रॉन्ग हो गया, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर नहीं होती। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो पोडोसाइट सेल हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन इस GF ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर नहीं पाई जाती। फोर्थ है लेसिस सेल, ये भी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर पाई जाती है। तो हमसे पूछा कौन सी नहीं पाई जाती है, तो वो है पोडोसाइट सेल्स, तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विच सेगमेंट डज नॉट प्ले ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाई सेलेक्टिव सिक्रीशन। इनमें से कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है, ठीक है, जो कि मेंटेनेंस पीएच बैलेंस और जो आयनिक बैलेंस है वो नहीं करता है सेलेक्टिव सिक्रीशन के द्वारा, ठीक है, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट कर करके,
देखते हैं, पीसीटी और डीसीटी सिलेक्टिव सिक्रीशन करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट भी सिलेक्टिव सिक्रीशन करती है। तो बचा सिर्फ हेनले लूब्स, यही हमारा आंसर होगा, सेकंड इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता है सिलेक्टिव सिक्रीशन के थ्रू पीएच मेंटेनेंस में और आयनिक बैलेंस के अंदर। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डायलिसिस इज डन व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, किस पर्सन के अंदर हम डायलिसिस करने की जरूरत होती है, हमसे पूछा है। डायबिटीज नहीं, यूरेमिया बिल्कुल सही। यूरेमिया हमने पहले भी देखा था कि ब्लड के अंदर यूरिया की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम डायलिसिस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो कौन सा है, सेकंड इसका राइट आंसर है, डायलिसिस इज डन व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम यूरेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज एन इन एन एवरेज अडल्ट इज, एवरेज अडल्ट के अंदर नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ये हमसे पूछा है। तो नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है 125 ml/min। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर दोनों डाटा हैं, एक ये भी है 180 L, ये भी डाटा है, लेकिन ये गलत क्यों हुए मैं बताता हूँ। यहाँ पे 180 L यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है इसलिए रॉन्ग है। पर डे होता तो ठीक मानते इसको, लेकिन यहाँ पे 125 ml/min है, ये बिल्कुल सही है। आप खुद ही सोचिए कि प्योरीफाई करना एक मिनट के अंदर इट्स पॉसिबल, नो। तो थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब इज कॉल्ड। देख, एक तो होता है एफरेंट, ठीक है, ए से शुरू होता है, वो क्या करता है ब्लड ला लेके आता है बाउमेंस कैप्सूल के पास प्योरिफिकेशन के लिए। एक होता है इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल जो कि जो बाउमेंस कैप्सूल से ब्लड वगैरह को लेके जाता है, तो वो फर्दर जाके एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अराउंड रीनल ट्यूबुल। तो उसका नाम क्या है, वासा रेक्टा उसका नाम है, और उसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, वहीं से हमको सिग्नल मिलता है कि हमको मिक्चुरेशन करना है, यूरिनेशन, हमको यूरिन जाना है या नहीं जाना। ठीक है, तो वॉल्स ऑफ ब्लड पे जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे स्ट्रेच हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू ऑटो रेगुलेट JFR ओवर ए वाइड रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। इन जो नीचे ऑप्शन दिए इनमें से कौन से ऐसे जो कि ऑटो रेगुलेट करते हैं JFR को, ऑटो रेगुलेट करते हैं किसको, JFR को, ठीक है, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए भाई इसका राइट आंसर होगा, रीड करते हैं वन बाय वन। मायोजेनिक मैकेनिज्म ये ऑटो रेगुलेट कर सकता है, सही है, रेनिन भी कर सकता है, और JFR, तीनों की तीनों ऑटो रेगुलेट कर सकते हैं JFR को वाइड रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन रहा है यहाँ से ऑल ऑफ द अबो, ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतने MCQ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, यदि आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।